Hello and welcome back to the channel. This is Abhinav. So in this video we are going to talk about Google Kickstart. Okay, so basically every year Google conducts some competitive programming contests, some coding competitions. Okay, and there are three coding competitions which Google conducts, which is Hash Code, Code Jam and Kickstart. So Hash Code is already completed. I will make a separate video on Code Jam, but in this video I will discuss about the Kickstart. Okay, so Kickstart is a simple competitive programming contest just like Codeforces and Codechef, in which you are dealing with some four problems from easy to hard level. Okay, and we will discuss each and everything in later in the video. So Kickstart is a single, means it is not a team competition. आपको खुद परफॉर्म करना होता है, जैसे कि आप एक Codeforces या Codechef कॉन्टेस्ट में पार्ट लेते हैं. ओके, सो द फर्स्ट राउंड, राउंड ए ऑफ Kickstart is on 20th, means you can see that 1 day and 11 hours are left from now. Okay, so you can check out the schedule also. The thing is that in Kickstart there are some rounds from schedule of Kickstart. Round A is on 20th of March. Okay, let me display in local time. So it is on 20th of March 9:30. Okay, so ये basically 20 तारीख को 9:30 बजे है. Okay, और इस सुबह 9:30 बजे है. ठीक, so इस तरीके से आपके करते करते यहाँ पर H rounds होते हैं in Kickstart. The thing is that they are not interrelated. ऐसा नहीं है कि आपको पहला राउंड क्वालिफाई करना पड़ेगा दूसरा राउंड लेने के लिए. आप किसी भी राउंड को दे सकते हैं. दे ऑल आर सेपरेट राउंड्स. ओके, सो बेसिकली दे आर different competitive programming or you can say Codeforces contest. Okay, in each round of Kickstart generally you will have four questions. Okay, so if we check the archive, the last year Codeforces sorry Kickstart from 2022, sorry from 2021, you can see that H rounds हुए थे. Okay, and these are the H rounds in which मैंने A और B नहीं दिया था. आप देख सकते हैं, आप कोई भी राउंड्स को क्वालिफाई कर सकते हैं. ये मेरे रैंक्स हैं. ए मेरा काफ़ी सही गया था, मतलब ठीक गया था. फिर बी और ई, डी और ई मेरे थोड़ा कम अच्छे गए. आफ्टर डैट फिर मेरे जो रैंक्स थी वो बिलो 2000 रही और कहीं भी 652 भी आई थी एक बार जी वाले में. सो लाइक दैट आप हर, और मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ आप हर एक राउंड में पार्ट लें. ओके फाइन. Kickstart जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. आप उसको रिज्यूम में लिख सकते हैं Kickstart के रैंक को, बिकॉज वे बहुत ही बड़ा Google कंडक्ट कराते हैं. सो ऑब्वियसली उसका बहुत ही बड़ा इफेक्ट होता है आपके रिज्यूमे में. ओके, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं इस राउंड को क्लिक करूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार प्रॉब्लम्स होती हैं. जनरली चार प्रॉब्लम्स ही होती हैं एक Kickstart राउंड में, जिसमें कि जो पहली दो होती हैं आप कह सकते हैं कि ये पहली दो ए और बी होती हैं Codeforces की. ओके, ए और बी ऐसे होती हैं Codeforces की, जस्ट लाइक दैट. और इसकी मार्किंग स्कीम में बिल्कुल वही, आपको पेनल्टीज लगती हैं, रॉन्ग सबमिशंस पे एक्सेट्रा ऐसी चीज़ आपको लगती हैं. अगर मैं बात करूँ आगे, सो जो प्रॉब्लम सी होती है वो आप कह सकते हैं कि Codeforces की प्रॉब्लम सी या डी के तरह ही होती है. और प्रॉब्लम डी भी काफ़ी, मतलब एक तरीके से Codeforces कॉन्टेस्ट ही होता है, सेम उसी लेवल का होता है और आपको उतना ही लगभग टाइम भी मिल रहा होता है. फाइन, सो अगर आप Codeforces पे कॉन्टेस्ट दे रहे हैं तो आपको इसमें कुछ ऐसा कुछ खास मिलेगा. बस हाँ, ऑब्वियसली गूगल का है तो प्रॉब्लम्स कुछ अच्छे लेवल की होती हैं. फाइन, सो कुछ रूल्स होते हैं. आप रूल्स और जो भी FAQs आप आगे देख सकते हैं, मैं इस लिंक वेबसाइट के नीचे दे दूंगा. साथ में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं लास्ट ईयर के Codeforces की प्रॉब्लम्स का, 2021 के सॉरी Kickstart की प्रॉब्लम्स का, तो मैंने ऑलरेडी लगभग सारे राउंड्स का लास्ट ईयर के सॉल्यूशन बना के रखा हुआ है. फ्रॉम आई थिंक मैं डी के बाद से सारे राउंड के सॉल्यूशन बना के रखे हुए हैं. तो आप जा करके मेरी ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं Google Kickstart की, जिसमें मैंने लगभग सारे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जो लास्ट ईयर के प्रॉब्लम्स आए हैं Kickstart में. फाइन, सो ये चीज़ है. उसके बाद में यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आर टेलीग्राम, और टेलीग्राम ज्वाइन करें सो दैट जो भी हमारे डिस्कशन होते हैं, पोस्ट कॉन्टेंट डिस्कशन होते हैं, वो हमारे सारे टेलीग्राम पे ही होते हैं. तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं. साथ में आप अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको अपने लिंक्डइन हैंडल पे भी शेयर कर सकते हैं और आप मेरे साथ लिंक्डइन में कनेक्ट हो सकते हैं. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो you can subscribe my channel, Abhinav. So thank you for watching the video. I hope you like it. Thank you.